गैर भाजपाई पार्षदों की बैठक आयोजन नगर निगम के सभागार में किया गया। इस बैठक में भाजपा के अलावा बाकी सभी दलों के पार्षद उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य उनके अपने अपने क्षेत्रों में विकास के कार्यों पर समीक्षा और लगातार आ रही दिक्कतों के बारे में चर्चा था। बैठक को संबोधित करते हुए पार्षदों ने कहा कि उनके सामने लगातार नगर निगम प्रशासन की ओर से समस्याएं आ रही हैं, जिसको नगर निगम अनदेखा कर रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो उनके वार्डों का समुचित विकास नहीं हो पाएगा और आने वाले समय में जनता उन्हें दोबारा सेवा करने का मौका नहीं देगी। किस गाड़ी का एक दिन आपने चेक कर लिया कि जीपीएस लगा के किलोमीटर चला? अगर कहीं कटौती किया हो तो हमको बताया जाए। हम लोग की सीधी लड़ाई दो चीज की, एक तो पारदर्शिता आनी चाहिए नगर निगम में और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगानी होगी। या कोई बात आएगी तो उसका दोषी पार्षद होगा। अपने क्षेत्र की जनता से कुछ नहीं, लेकिन आप घर से सोते उठते बैठते घर से निकलते अगर आप बीच में जाएंगे तो सभासद ये कहता है जो जनता के बीच में सीधे जुड़ा हुआ है। और यही जाने यही सबसे बड़ा कारण है कि पारदर्शिता नगर निगम में। बस इसी की बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और नए पार्षदों से खास तौर से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि किसी कर्मचारी और यूनियन के या अधिकारियों से उलझने की कोशिश मत करें। उनका वही मेन मोटो रहता है कि वो विवाद करा के आपको कहने के लिए सीएम सिटी, लेकिन जनता के विकास कार्य के लिए किसी भी पार्षद को एक पैसा नहीं मिल रहा है। 5 माह हो गए, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है और निश्चित तौर पे जब विकास की बात आती है तो यही अधिकारी कहते हैं कि नगर निगम में पैसा नहीं है। नगर निगम के द्वार पर और भी अधिकारियों को जवाब देने का कार्य करेंगे। इसी के साथ अपनी बात और अपनी बात को रखे। और एक चीज और मेरी गुजारिश है, इसको किसी दल का नाम बना करके एक संगठन पार्षदों का बना दिया जाए। हम आभार आपका व्यक्त करना चाहते हैं। और दूसरा, स्वयं एक गलती अपने, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, स्वयं हूँ। कानून ने, संविधान ने जो आपको अख्तियार दिया है वो अख्तियार मेरे पास भी है और आपके पास भी है, महापौर के पास भी है। उस अधिकार का इस्तेमाल ना आप कर पाए, ना हम कर पाए, ना हम आपको बता पाए, ना हम आप हमसे पूछ पाए। सारी गलती हमारी स्वयं की है, इसलिए इस गलती को सुधारने का मुझे मौका भी मिला, मैं सुधारूंगा। दो बात कहना चाहता हूँ। पहले कबड्डी के लिए फील्ड बनाई जाती है और फील्ड में एक थाना होता है, एक टीम का दूसरा फाड़ा होता है दूसरी टीम का। तो जो आज आ गए, ये सरकार और महापौर और नगर आयुक्त के खिलाफ वाली टीम है भाई, तो बात कर लेने दीजिएगा। बात कर ले, पहले बजट की बनेगा और राजनीतिक तरीके से बनाया जाएगा, झगड़ा करके नहीं बनाया जाएगा। हम लोग 2 दिन का समय देंगे और समय देने के बाद अगर हम लोगों की पार्षद की फाइल मंगाने का महापौर और नगर आयुक्त करने लगे तो हम अपने आंदोलन से थोड़ा सा पीछे हटेंगे, पूरा नहीं पीछे हटेंगे, थोड़ा सा पीछे हटेंगे 2-3 दिन बाद।